नमस्कार बीसीएन न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, लगभग 4 महीने पहले इन बीसीएन न्यूज की विशेष रिपोर्ट में आपने जिस पंचशील टॉकीज रोड स्थित पुलिया की खस्ता हालत देखी थी और कहीं ना कहीं सूचित भविष्यवाणी भी हमने अपने रिपोर्ट में की थी कि भारी बारिश के कारण ये पुलिया आने वाली स्थिति में ढह सकता है और बीती रात हुई बारिश से ऐसा ही आलम हमें देखने मिल रहा है। शहर के पंचशील चौक से झांसी रानी चौक की ओर जाने वाले रास्ते से हर एक नागपुरवासी एक ना एक बार गुजरा तो जरूर होगा। इस रास्ते पर रोजाना बड़ी संख्या में भारी वाहनों और लोगों का आना जाना बना हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है यह पुलिया जर्जर हो चुका है। जर्जर पुलिया पर खतरों से भरा सफर, लेकिन प्रशासन अब भी खामोश है। आज हम आपको इस पुलिया की खस्ता हालत दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार बीसीएन न्यूज में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीसीएन न्यूज हमेशा ही अपने दर्शकों को सच दिखाता है, सच्चाई तक पहुंचाता है। आज ऐसी ही सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं। आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ, ये एक नाला है, ये नाग नदी का जो नाला आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर में जो ये सड़क दिखाई दे रही है, पंचशील स्क्वेयर से बर्डी की ओर जाने वाली जो सड़क है, ये पुलिया है। और आप देख पा रहे हो ये पुलिया की जो है सलाखें हमें सीधे दिखाई दे रही ही है। सलाखें दिखाई, प्लास्टर जो है सलाखों का निकल चुका है पूरी तरह से। आप देख पा रहे हो कि पूरा ये जो कॉलम है, ये पहला कॉलम है इस पुलिया का। आप देख पा रहे हो कि पूरी सलाखें जो है हमें क्लियर दिखाई दे रही है। और इसके बाद जो दूसरा कॉलम है, इसके भी सलाखें दिखाई दे रही है। ऊपर में जो रास्ता देखिए, आप देख पा रहे हो कि आपको भी सलाखें जो है क्लियर दिख रही होंगी, पूरी तरह से क्लियर सलाखें दिख रही है। प्लास्टर निकल चुका है, बहुत पुराना ये पुलिया है जिसका मरम्मत या इसकी नए सिरे से इसे बनाने का वक्त अब आ चुका है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है इसकी ओर कर रही है। हम दिखा देते हैं आपको कि ये मेरे पास एक लकड़ी है, इससे हम अगर आपको बता दें कि थोड़ा भी इसको अगर झटका लगता है, आप देखिए ये प्लास्टर जो है ये गिर जा रहा है, ये प्लास्टर गिर रहा है। ऐसे में ऊपर से जो है बड़े वाहनों की आवाजाही हमें होती दिखाई देती है। यहाँ पे बसें जो है यहाँ से ट्रैवलिंग करती है, यहाँ बस स्टॉप भी है। साथ ही साथ जो इस जो नाला बह रहा है इसके किनारे पे कई शॉप भी बसे हुए हैं, उन्हें भी डर लग रहा है कि अगर बरसात, भारी बरसात होती है, पानी का बहाव होता है, तो कहीं ना कहीं इस पुलिया के गिरने की भी उन्हें आशंका है। साथ ही जो दुकानें हैं उन्हें भी डर है कि इसमें उनका भी नुकसान हो सकता है। तो ये पूरी पुलिया की सच्चाई जो है हम आपको बताते हैं। इस पुल में जगह जगह दरारें दिखाई देने लगी है। देखरेख के अभाव में पुल की दशा लगातार बदतर होती जा रही है, फिर भी जिम्मेदार इस गंभीर मामले की अनदेखी कर रहे हैं। गौरतलब है कि स्थानीय नागरिकों द्वारा इस पुलिया की खस्ता हालत से प्रशासन को रूबरू किया गया था, लेकिन प्रशासन ने समय रहते सुध नहीं ली और आज आखिरकार पुलिया ठह गई। प्रशासन ने अगर इस मामले में एहतियात बरती होती तो आज ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है। नागपुर से बीसीएन न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।
आज के स्पेशल रिपोर्ट में वक्त चला है यही रुकने का। ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।